इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप दो फंक्शन का अगर सम या डिफरेंस है तो वो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2x² dx और प्लस e की पावर x dx, ठीक है, ये लीनियर ऑपरेटर है इंटीग्रेशन, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। सिमिलरली आपका डिफ्रेंसिएशन भी क्या होता है, डेरिवेटिव d/dx जो आप लिखते हो वो भी आपका लीनियर ऑपरेटर होता है। खैर, कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हमेशा बाहर आ जाता है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फाइनली अंदर उतना ही बचना चाहिए जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये x^n का फॉर्मूला लगेगा जो क्या हो जाएगा आपका 2+1/2+1, n+1/n+1 होता है, प्लस e^x का चाहे डिफ्रेंसिएशन करिए या इंटीग्रेशन करिए, मतलब डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव दोनों खुद ही होता है ये फंक्शन, ठीक। और फाइनली आप क्या कर दोगे, एक इनडेफिनिट कांस्टेंट प्लेस कर दोगे c, और यहाँ आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2+1 क्या कर देंगे आप 3 लिख देंगे यहाँ पे, और वही काम आप नीचे कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर हो गया जो भी एक्सप्रेशन है।